नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में पढ़े हुए पूर्व छात्रों के लिए है। एक ऐसा पोर्टल जहां पर जाकर के वो रजिस्टर कर सकते हैं और अपने पूर्व विद्यार्थी परिषद से जुड़ सकते हैं। सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर या शिशु वाटिका, ये सभी विद्यालय विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के निर्देश में संचालित होते हैं। सरस्वती शिशु मंदिर के पूर्व छात्रों को इस पोर्टल पर रजिस्टर अवश्य करना चाहिए। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां स्कूलों के साथ पूर्व छात्रों को स्कूलों, छात्रों, शिक्षकों के साथ जोड़ा जाए। इस प्रकार एक जीवंत ऑनलाइन पूर्व छात्रों का ग्रुप तैयार होगा। पूर्व विद्यार्थी इस पोर्टल के माध्यम से अपने बिछड़े हुए दोस्तों से भी मिल सकते हैं। यह एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो चलिए, इस पोर्टल में रजिस्टर किस तरह से करना है, सारी प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एक एक स्टेप आपको ध्यान से देखना है। सर्वप्रथम किसी भी ब्राउजर में जा करके आपको vidyabharatialumni.org टाइप करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है वेबसाइट। इसे आप नोट कर लें और इसे आप किसी भी ब्राउज़र पर टाइप करके एंटर कर लें और आप पहुंच जाएंगे विद्या भारती एलुमनी पोर्टल पर। आप इस पोर्टल पर जैसे ही जाएंगे, राइट हैंड साइड पे आपको लैंग्वेज बार का ऑप्शन मिलेगा। वहां पर आप अपनी लैंग्वेज चूज़ कर लीजिए और बाजू में ही आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। रजिस्ट्रेशन में एलुमनी रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप पोर्टल पर नीचे आएँ और बीच की तरफ आप देखेंगे तो ज्वाइन अस का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पर भी क्लिक कर एलुमनी पोर्टल पर आप पूर्व विद्यार्थी जो भी हैं वहाँ पहुँच सकते हैं। तीसरा ऑप्शन, आप इस पोर्टल के सबसे नीचे की ओर यहाँ पर आप देखेंगे एलुमनी रजिस्टर्स एज एलुमनी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप क्लिक करके भी इस पोर्टल पर पहुँच सकते हैं। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे एक फॉर्म मिलता है। यहाँ पर पूर्व विद्यार्थी अपना इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर इस फॉर्म में आपको फुल नेम, पूरा नाम लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी है, मोबाइल नंबर लिखना है और करंट प्रोफेशन जो भी है आपका वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जॉब लोकेशन को आप लिख सकते हैं और यहाँ पर नीचे रजिस्टर एज एलुमनी या आप टीचर हैं तो टीचर पर भी क्लिक कर सकते हैं। एलुमनी पर ही क्लिक कर रहने दीजिए और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने जो भी लास्ट टाइम क्लास छोड़ी हुई है, पास आउट हुए हैं सरस्वती स्कूल से, वो आप यहाँ सेलेक्ट करना है और उसके बाद जो भी ईयर रहा हो उसे यहाँ पर आपको टाइप करना है या फिर आप उसे लिख सकते हैं। यहाँ पर आप स्कूल, कॉलेज का नाम, सरस्वती स्कूल का जो लोकेशन है वो आप डालेंगे तो ऑटोमेटिकली ही ले लेगा। आप यहाँ पे हिंदी फॉर्म भी कर सकते हैं। हिंदी में यदि आपको फॉर्म भरना है तो आप लैंग्वेज चेंज करके हिंदी में भी डाटा पूरा फिल कर सकते हैं, सेम जैसा कि आपने इंग्लिश में किया हुआ है, पूरा की पूरा वैसा ही है। एक फॉर्म में जो है आपको पूरा फिल करके बताता हूँ और रजिस्टर करके दिखाता हूँ। उसके बाद जितनी भी जानकारी मैंने भरी है उसे तेज़ी से भरता हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने फिल करने के बाद आप यहाँ पर देखिए, लास्ट में आपको यहाँ पे स्कूल, कॉलेज का नाम लिखना, आप एरिया का नाम लिखिए। वहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे ये जबलपुर, आधारताल जबलपुर का है तो नीचे ऑप्शन आ गया है कि ये सरस्वती स्कूल, पूरा एड्रेस के साथ आ जाता है, तो उसे आप टच करके आप क्लिक कर सकते हैं। नहीं आता है तो आप पूरा आप खुद भी लिख सकते हैं और उसके बाद रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही मैं रजिस्टर करें पर क्लिक करता हूँ तो उसके बाद नया डायलॉग बॉक्स खुल करके सामने आएगा, जहाँ पर आपको एक थैंक यू की स्लाइड मिलेगी। इस तरह से आप अपने दोस्तों को ये लिंक शेयर करें, उनसे भी कहें कि रजिस्टर करें और आप सभी जितने भी सरस्वती स्कूल के पूर्व छात्र हैं वो सभी एक जगह पर फिर से एकत्र हो सकते हैं। तो सभी से अनुरोध है कि आप भी ज्वाइन करें और अपने दोस्तों को भी ये लिंक शेयर करें जिससे कि वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ सकें। धन्यवाद।